उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में रैपुरा थाना क्षेत्र के बसिंगा गांव एक दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल गांव के मोहरी नहर के पास मिट्टी खुदाई करने गए ग्रामीण टीला धंसने से उस मिट्टी में दब गए, जिसमें तीन महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही डीएम और एसपी भारी पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए और जेसीबी से खुदाई का रेस्क्यू जारी है और घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया है। जिलाधिकारी शेष मणि पांडे ने मृतकों और पीड़ितों के प्रति घटना को लेकर संवेदना व्यक्त की है और दुख जताया है। उन्होंने पीड़ित परिजनों को आर्थिक सहायता देने का आश्वासन भी दिया है। बसिंगा में घटना घटी थी, इसमें से पांच लोग गए थे, जिसमें कि तीन लोग तो डेथ थे, हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। दो लोगों के कमर थे, उनकी टूट गई हड्डी, तो उनको प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के रेफर कर दिया गया है। एक्सरे होगा, उसके पता ही बाद ही पता चल पाएगा कि क्या दिक्कतें हैं अंदर। कौन से हॉस्पिटल? स्वास्थ्य केंद्र रामनगर में। अच्छा, आपका नाम? डॉक्टर शैलेंद्र सिंह। अभी तक मौत की पुष्टि हुई? घायल तीन की हो गई है पुष्टि, अभी कुछ और है कि अनुमान और कि आगे जो मिट्टी में दबे हुए हैं उनके भी मृत होने की आशंका है। महिला पुरुष इसमें कौन से कितने हैं? तीनों महिलाएं हैं। अच्छा, पुरुष नहीं है अभी। बच्चे कितने? दो बच्चियां गई थी, तो एक बच्ची के जिसमें कमर में उसके चोट आई है, तो उसके प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। एक्सरे होगा, कमर में उसमें दिक्कत था क्योंकि नीचे पैर उठ नहीं रहे थे उसके। अच्छा अच्छा, आपका नाम? डॉक्टर सर। डॉक्टर शैलेंद्र सिंह। बताया जा रहा है कि घटना के समय एक बच्ची समेत सात महिलाएं उपस्थित थीं, जिसमें से तीन महिलाओं की मौत हो गई जबकि तीन लोग घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। वहीं इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की, साथ ही अधिकारियों को मौके में जाने के निर्देश भी दिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए चित्रकूट से वीरेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।